हाय गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो हाइट के ऊपर है। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाइट इंक्रीज करने के लिए बेस्ट फूड्स और बेस्ट डाइट प्लान शेयर करना चाहता हूँ। और इसके अलावा गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आपके साथ इस वीडियो में, उसका मैं साइंटिफिक एविडेंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज हुई है हाइट इंक्रीज करने पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और गाइस, बाय चांस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि जो भी कंटेंट मैं इस चैनल पर डालूंगा, चाहे वो हो हाइट पे, मसल बिल्डिंग पे या फैट लॉस पे, उसे आप मिस ना कर पाए। तो गाइस, वापस बात करते हैं हाइट इंक्रीज करने के ऊपर, न्यूट्रिशन फॉर इंक्रीजिंग हाइट। गाइस, हाइट इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 18 साल से ऊपर हैं। गाइस, पर्सनली मैंने खुद 18 साल के बाद अपनी हाइट 5 इंच इंक्रीज करी है। जब मैं 18 साल का था मेरी हाइट थी 5'8", आज की तारीख में मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6'1". और गाइस, न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है मेरी हाइट इंक्रीज करने में। दूसरे फैक्टर्स का भी रोल था, जैसे कि स्लीप होगी, एक्सरसाइज होगी, और जो वो एडवांस टेक्निक होगी जो मैंने एक पिछली वीडियो में शेयर करी थी, उसका भी रोल था। बट गाइस, न्यूट्रिशन का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि गाइस मैं पहले काफ़ी जंक फूड खाता था, काफ़ी मेरी डाइट ख़राब थी और मुझे न्यूट्रिशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी पहले। और गाइस, न्यूट्रिशन में आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और उन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, और सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, विटामिन डी और जिंक। और गाइस, ये बात साइंटिफिक स्टडीज में प्रूव हो चुकी है कि आपकी हाइट इंक्रीज करने में जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और गाइस, विटामिन डी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। इसलिए गाइस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी डेफिशिएंट ना हो विटामिन डी में। बट गाइस, विटामिन डी काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है हमारे फूड्स में। इसलिए गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। किसी भी केमिस्ट की शॉप से जाके आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन डी के बाद गाइस, बात करते हैं जिंक की, प्रोटीन की और कैल्शियम की। मैं आपके साथ बेस्ट वेजिटेरियन फूड्स शेयर करता हूँ जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और जिनसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी। गाइस, नंबर 1 पे आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दूध, दही, पनीर। गाइस, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है काफ़ी हाई क्वांटिटी में, और थोड़ा जिंक भी होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस, आप मेक श्योर करें कि आप कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर कंज्यूम कर रहे हैं डेली अपनी डाइट में। गाइस, डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा टोफू और जो आपके काले राजमा होते हैं, वो भी गाइस काफ़ी अच्छे फूड हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि गाइस उनमें प्रोटीन और जिंक दोनों होते हैं। और गाइस, मोस्टली हमारी इंडियन डाइट में हम डेफिशिएंट होते हैं जिंक और प्रोटीन से एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। तो इसलिए गाइस, जो मैंने आपके लिए डाइट प्लान प्रिपेयर किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें मैंने ये मेक श्योर किया है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स, टोफू और काले राजमा को डेली कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके अलावा गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इस डाइट प्लान में नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करा है, ताकि आपकी बॉडी किसी भी विटामिन और मिनरल में डेफिशिएंट ना हो। तो गाइस, आप इस डाइट प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डाइट प्लान के बाद बात करते हैं 3 काफ़ी कॉमन हैबिट्स की, जिनकी वजह से लोगों की हाइट नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट होती है, जो है स्मोकिंग, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक
काफ़ी ज़्यादा नमक का यूज़ करना अपनी डाइट में, और तीसरी काफ़ी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना जिसमें कैफीन होती है। गाइस, इन तीन हैबिट्स की वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारी हाइट नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट होती है। तो इसलिए गाइस, अगर आप काफ़ी ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या अपनी डाइट में काफ़ी ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं, या स्मोक करते हैं, तो उसे तुरंत बंद करें ताकि आपकी हाइट नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट ना हो। और गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट बड़ा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।